जिज्ञासु भाइयों और बहनों, मीरा की भक्ति भजनों के स्वरों से प्रकट हुई तो शबरी की भक्ति झूठे बेरों से प्रकट हुई। परंतु बंधुओं, वीर शासन की एक ऐसी साधिका जिसकी भक्ति आंखों के आंसुओं से प्रकट हुई, आज से एक ऐसे व्यक्ति मत्व की कथा का प्रारंभ होगा कि जिसने प्रभु को ना ही शब्दों से पुकारा है, ना ही भजनों से पुकारा है, ना ही भोजन से पुकारा है, ना ही आंखों से पुकारा है। जिसने प्रभु को पुकारा है तो मात्र आंसुओं से पुकारा है। उसके आंसुओं के पुकार में वह ताकत थी कि परमात्मा उसके पास चले आए। भारत के इस गौरवशाली इतिहास में शायद ही ऐसा एक उदाहरण होगा कि आंसुओं के द्वारा किसी भक्त ने प्रभु को बुलाया हो। यह रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ जितना याद है, यह रिकॉर्ड सिर्फ एक ही व्यक्तित्व के नाम पर आज तक चला आ रहा है। एक ऐसे व्यक्तित्व की कथा का प्रारंभ होगा कि जिसके जीवन का प्रारंभ पीड़ा से हुआ, लेकिन जिसका अंत जो है परमात्मा पद को प्राप्त करने के बाद हुआ। चक्र पर जो माटी का गोला चढ़ चुका है, उसे अगर घड़ा बनना है तो कुंभकार के हाथों की मार खानी ही पड़ेगी, वो पीड़ा को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अनगढ़ पत्थर को यदि प्रतिमा बनना है तो शिल्पकार के हथौड़े की मार की पीड़ा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वन को यदि उपवन में बदलना है तो हर एक पौधे को माली के कटाई की पीड़ा को सहन करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसी तरह बंधुओं, हर पीड़ा प्रसन्नता की ओर ले जाती है, प्रसन्नता का पुरस्कार दे जाती है। लेकिन वह एक आर्य चंदना ऐसी थी कि जिससे पीड़ा का पुरस्कार परमात्मा पद का पुरस्कार मिला है, पीड़ा की ओर से उसे परमात्मा मिल चुके हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व की कथा का प्रारंभ होगा जिसने पीड़ा से उबर कर परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। बंधुओं, वह सुंदर सुनहरी नगरी कौशाम्बी नाम की नगरी, जिस नगरी में पशु पक्षियों की किलकिलाहट है, सुंदर सा वातावरण है, किसी के मन में कोई द्वेष भाव नहीं है, ना तो एयर पोल्यूशन है, ना तो साउंड पोल्यूशन है, और ना ही महत्वपूर्ण वर्ड्स का पोल्यूशन है। सुंदर शब्दों का जहां पर एक दूसरे से वार्तालाप होता था, ऐसी वह सुंदर नगरी कौशाम्बी नगरी। उस कौशाम्बी नगरी के बराबर बीचों बीच मध्य भाग में आसमान की ऊंचाई को छू ले इतना विशाल, इतना भव्य एक राजमहल है। सैकड़ों दास दासे उस राजमहल में है। वह दास दासे जब उस राजमहल में रह रहे हैं, बंधुओं, यह किसी राजा का महल है, यह भाव उनके भीतर नहीं था। यह मेरा अपना घर है, मेरे घर की यह दीवारें हैं, इस भाव से उस राजमहल में वह दास दासी काम करते थे। ऐसे सुंदर उस राजमहल के वातावरण के बीच एक हंसी गूंज रही है, एक किलकिलाहट गूंज रही है, एक माँ के स्वरों का उच्चारण बार बार हो रहा है, पिता को एक आवाज बार बार बुला रही है। वह आवाज बंधुओं और किसी की नहीं, राजकुमारी वसुमती की थी। राजमहल में खेल रही है, मापता के ममता की दृष्टि
और पिता के वात्सल्य की दृष्टि उस बालिका पर पड़ रही है। वह माँ और पिता की दृष्टि को शायद पता नहीं होगा कि जो अभी खिलौने से खेल रही है, फ्यूचर में वह रजोहरण से खेलेगी। उन माता पिता की नजरों को यह पता नहीं चला कि जिस नजर से हम आज उसे प्यार कर रहे हैं, फ्यूचर में सभी समाज की नजर उसे प्यार करेगी। उन माता पिता की नजरों को यह पता नहीं था कि आज वह सोने के पात्र में खा रही है, फ्यूचर में वह काष्ट के पात्र में गोचरी करेगी। आज जिसे देखकर हमारा हृदय आनंदित हो रहा है, कल वह पूरा समाज उसे देखकर के आनंदित होगा। उन माता पिता की नजरों को यह पता नहीं था कि आज जिस पर हम वात्सल्य बरसा रहे हैं, इन फ्यूचर वह 36,000 साध्वियों पर वात्सल्य बरसाएगी। बच्चों का फ्यूचर माँ बाप को पता नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वह टर्निंग पॉइंट इतना महत्वपूर्ण होता है कि उससे आगे बच्चों का फ्यूचर डिसाइड होता है। टर्निंग पॉइंट पर बच्चा गलियों का रास्ता अपनाता है या हाईवे का रास्ता अपनाता है, यह डिसीजन वह तब ही ले सकता है जब उसे परवरिश में संस्कार मिल चुके हो। जैसे परवरिश होगी, टर्निंग पॉइंट में बच्चे का रास्ता भी वैसे ही होगा। परवरिश के लिए सबसे पहले जरूरी है बच्चों के साथ में रहना और जीना। मेरा सवाल है आप लोगों से, आप बच्चों के साथ रहते हो या जीते हो? आप बच्चों के साथ रहते हो या जीते हो? चलो छोड़ो, बच्चों के साथ रहना यानी क्या और जीना यानी क्या, दोनों के बीच का फर्क क्या है वो बोल दो। सबके घर में बच्चे हैं ना? बच्चों के साथ रहना यानी क्या और बच्चों के साथ जीना यानी क्या? बंधुओं, आपके घर में दो गमले हैं, दोनों पर गुलाब के फूल लगे हुए हैं, पर एक में खुशबू है, दूसरे में खुशबू नहीं है। दोनों फूल दिखने में बिल्कुल समान है, गुलाब के ही है, सेम कलर है, सेम हाइट है, फिर भी एक में खुशबू है और दूसरे में खुशबू नहीं। कारण एक पौधा असली है, दूसरा पौधा नकली है। नकली पौधे पर जो फूल लगा है, वह उस पौधे के साथ रहता है। ध्यान से सुनना, नकली गमले के साथ, नकली पौधे के साथ जो फूल है, वह उस पौधे के साथ रह रहा है, लेकिन असली पौधे पर जो फूल है, वह उस पौधे के साथ जी रहा है। कारण सिर्फ एक ही है, नकली के पास मूल नहीं है और असली के पास मूल है। नकली के पास मूल नहीं है और असली के पास मूल है। जब मूल फूल से जुड़ जाता है, तब साथ में जिया जाता है। जहां पर मूल फूल के साथ जुड़ता नहीं, वहां पर रहा जाता है, जिया नहीं जाता। यह मूल के ऊपर डिपेंड है कि अब वो फूल को क्या देता है। धरती में बहुत कुछ समाया हुआ है, लेकिन समय समय पर मूल को पता है मुझे फूल को पानी ही देना है। बच्चों के जीवन रूपी मूल में रहे हुए माँ बाप को पता है कि मुझे बच्चों को क्या देना है, कौन से समय पर मुझे उसे समय देना है, कौन से समय पर मुझे उसे प्रेम देना है, कौन से समय पर मुझे उसे प्यार देना है। क्या यह बात आपको पता है? क्या इस बात के आपने मैनेजमेंट की है?
क्या इस आधार पर आप बच्चों की परवरिश करते हो? अगर इस आधार पर आप बच्चों की परवरिश नहीं कर पाते तो बंधुओं, इन फ्यूचर आप बच्चों के साथ जी ही नहीं सकते। आज कोई भी हमारे पास आता है तो एक ही सेंटेंस लेके आता है, मार साहब हमारे पास समय नहीं है। और बच्चों को भी इतना बिजी कर दिया है कि उनके पास भी समय नहीं है। बंधुओं, नकली गमलों की तरह अगर जियोगे, नकली गमलों की तरह अगर जिंदगी रहेगी तो साथ में जियोगे कब? साथ में जीना है तो मूल और फूल दोनों को जॉइंट होना होगा, बच्चों को समय देना होगा। बंधुओं, दौलत की भूख ऐसी लगी कि दौलत कमाने निकल गए। दौलत जब कमा ली तो रिश्ते हाथ से निकल गए, बच्चों के पास बैठने के लिए फुर्सत नहीं मिली, और जब फुर्सत मिली तब बच्चे दौलत कमाने के लिए निकल गए। जब फुर्सत मिली तब दौलत कमाने के लिए बच्चे ही निकल गए, साथ में जियोगे कब? बंधुओं, जब छोटे गांव में विहार करते हैं ना, तब वहां के माँ बाप कहते हैं, मार साहब पैसा कमाने के लिए बच्चे पुणे और बॉम्बे में गए। पुणे में जब आए तब माँ बाप कहते हैं, मार साहब पैसा कमाने के लिए बच्चा अमेरिका गया। बंधुओं, हजारों ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जो सिटी छोड़कर के सिर्फ माँ बाप के साथ में रह सकूं, इसके लिए अपना करियर और पैसा छोड़कर के आज भी बहुत सारे युवक लोग ऐसे हैं जो माँ बाप के साथ रह रहे हैं। क्योंकि माँ बाप ने जब पैसा कमाना था तब पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत अच्छी तरह से निभाई, इसलिए बच्चों के लाइफ में जब पैसा कमाने के मोमेंट आई तब उन्हें भी फील हुआ कि मैं मेरे पेरेंट्स को टाइम दूं, इस तरह बंधुओं, कौशाम्बी नगरी के उस राजमहल में राजा दधिवान और माता धारिणी अपने संतान का मूल की तरह पालन पोषण कर रहे हैं। समय बीतता जा रहा है, धीरे धीरे वह वसुमती 13 वर्ष की हो चुकी है। और होता है बंधुओं, माँ बाप की जिंदगी भी आराम से गुजर रही थी, एक निश्चिंत था कि पड़ोस में जो राज्य है, जो राजा है, वह दूसरा और कोई नहीं, अपना रिश्तेदार ही है। मेरे धारिणी जो है उसकी बहन का ही वह राज्य था, उसके जीजा का ही वह राज्य था। पड़ोस में यदि बहन और जीजा है तो दुश्मनी का तो कोई सवाल ही नहीं। परंतु बंधु, याद रखना, जो आज स्वजन है कल कब दुर्जन बन जाएगा पता नहीं। जो आज प्रशंसा के फूल दे रहा है कब वह निंदा के कांटे चुभो देगा पता नहीं। जो आज प्रेम की बौछार कर रहा है कब वह जिंदगी में नफरत का तूफान लेकर आएगा पता नहीं। जो आज जिंदगी दे रहा है कल वह कब मौत के घाट उतारेगा पता नहीं। राजा दधिवान के साथ भी यही हुआ। खुद पर अगर भरोसा रखते हैं तो वह ताकत बन जाती है, लेकिन दूसरों पर भरोसा रखते हैं तो वह कमजोरी बन जाती है। राजा दधिवान आराम से अपना साम्राज्य उसने बहुत बड़ा लिया है, और आराम की नींद सो चुके थे। विश्वास था कि मेरे पड़ोस में मेरा रिश्ता है, मेरा संबंध है। परंतु याद रखना बंधुओं, उसी विश्वास में विष का वास बसा हुआ है। रात को मध्य रात्रि का समय हुआ है और पड़ोस के शैतानिक ने अचानक रात के समय आक्रमण कर दिया है। जो राज्यसभा, जो राजमहल, जो राज्य, जिस राज्य को दुख क्या चीज है, आंसू क्या चीज है, तकलीफ क्या चीज है, यह पता नहीं था, और उसी राज्य में अचानक आक्रमण हो चुका है।
पूरा राज्य दर्द के आवाजों से गूंज उठा है, बचाओ बचाओ की पुकार कर रहा है, सब इधर उधर दौड़ रहे हैं। वह 13 वर्ष की वसुमती जिसके पास सैकड़ों दास दासी थे, आज वह दास दासी भी बिखर चुके हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। उस 13 साल की बच्ची को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मेरे आसपास यह क्या घटित हो रहा है। और होता है बंधुओं, जब व्यक्ति सुखी होता है, तो जिस पर वह प्रेम करता है ना, उसे वह ढूंढता है। ध्यान से सुनना यह लाइन, जब व्यक्ति सुखी होता है तो जिस पर वह प्रेम करता है उसे ढूंढता है, लेकिन जब व्यक्ति दुखी होता है उस पर जो प्रेम करता है व्यक्ति उसे ही ढूंढता है। वह वसुमती अपनी माँ को ढूंढ रही है। शत्रु और मित्रों के भीड़ के बीच में वह वसुमती पूरी तरह गुम हो चुकी है। माँ तुम कहाँ हो? माँ माँ की आवाज लगा रही है और माँ के कक्ष में पहुंची है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रही है। माँ को एकदम जाकर के चिपक चुकी है, आलिंगन कर दिया है। माँ ये क्या हुआ? माँ ने पूरी सिचुएशन देखी है कि मेरा सुहाग का कुमकुम आज लोहे खून के बूंद में पलट चुका है। देख लिया है कि मेरे पति की हत्या हो चुकी है। और जब बंधुओं सुहाग उड़ जाता है तो साथ साथ में एक स्त्री की सुरक्षा भी उड़ जाती है। जो राजमहल में आज सुरक्षा का अनुभव हो रहा था, उसी राजमहल में अब सुरक्षितता का अभाव लग रहा है। धारिणी रानी ने वसुमती को लिया है और राजमहल से निकलने का निर्णय कर लिया है। अब समय आने पर देखेंगे कि वह धारिणी और वसुमती राजमहल से निकलने में कामयाब होते हैं या नहीं, उनके जीवन में अब कौन सा मोड़ आता है, कौन सी घटना आती है, समय आने पर देखेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर।